ये कॉरिडोर में आया हुआ है, ये कॉरिडोर बनाने के लिए कहा गया कि यहाँ छोड़ना या कुछ अपना मोदी जी का प्रोजेक्ट था बनाने के लिए, उसी कारण हम लोग को हटाया गया। डेवलपमेंट का आपका मॉडल क्या है, दूसरी चीज़ आपका डेवलपमेंट का समझ क्या है। अगर आप 1000 परिवार को उसकी रोजी रोटी से महरूम कर दीजिए और खूब अच्छी सड़क उसके गांव तक बना दीजिए तो उसको विकास कहेंगे। हम लोग 7 पीढ़ी से हैं यहाँ पे, 7 पीढ़ी से हैं। ये ललिता घाट है, इधर साइड में मनकनका घाट है। देखिए इसी में हम लोग रहते हैं, एक इसमें एक भाई रहते हैं, इसमें एक भाई रहते हैं। अब इसी में हम लोग गुजारा कर रहे हैं, अब इसमें से भी निकाल लेंगे मोदी तो कहाँ जाएंगे हम लोग। हम लोग के पास न घर है न द्वार है न कहीं कुछ है। उखाड़ कर भेजा रहे हैं कि हम अपने से थोड़े उखाड़ कर जा रहे हैं, वो सरकार उखाड़ कर भगा रही है हम लोग को। हम लोग जा रहे हैं, अब क्या करेंगे, सरकार से गुंडे ही थोड़े कर सकते हैं, सरकार से कोई बात भी नहीं कर सकते हैं। आए रहे वहाँ पे जिला नाश करने के लिए, तो हम लोग को तो बंद कर दिए रहे घर में, जैसे कि हम लोग आतंकवादी टाइप से हैं कि बाहर मत निकलिएगा, गेट के बाहर मुड़ी ना दिखे, गेट के अंदर रहिएगा, घर में रहिएगा, छत पे मत आइएगा, छत पे प्रशासन लगा है, छत पे मत आइएगा, छत पे हमारे प्रशासन, हमारा छत है, प्रशासन है, हम नहीं जा सकते अपने छत पे, मोदी जी को देख नहीं सकते अपने से, इतनी कड़ाई है। अगर जब हम उनको देख नहीं सकते तो बात क्या करेंगे वो हमसे, बात कुछ कर सकते हैं। सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः। आप देख रहे हैं कितना विशिष्ट स्वरूप आकार लेगा जब ये कॉरिडोर पूरी भव्यता के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉरिडोर में बहुत सारी सुविधाएं भक्तों को मिलने वाली हैं, जिनमें श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेहतर प्रबंध, सुरक्षा व्यवस्था, बहुउद्देशीय हॉल, मल्टी स्टोरी शौचालय और मणिकर्णिका घाट पर ओपन थिएटर की भी परिकल्पना यहां की गई है। श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का गठन इसके विस्तार के लिए किया गया है। ये जो हमारे नेता हैं दुर्भाग्य से वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेटीकरण करने के लिए आए हैं धर्म का। लोगों के हाथ में जो पूरी इकोनॉमी थी, पूरा बाजार था, और जो इतने बड़े पैमाने पे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, इन्होंने पूरी तरह छीन लिया। वहाँ माला बेचने वाला आदमी भी 1000 रुपये रोज कमा लेता था, आपने उसको 10 लाख रुपये 5 लाख रुपये दे करके उसको वहाँ से बाहर कर दिया। अब क्या करेगा वो जाके, आपने अल्टरनेटिव रोजगार दिया, आपके बस का है। जब लेना रहा तो रहते रहते घेरते रहे दो दो ठे पुलिस अधिकारी लोग, अरे ऐसा है कि चलो रजिस्ट्री कर दो और मकान मिलेगा, वो पार में मकान भी मिलेगा, हर पराने की नौकरी मिलेगी सरकारी। हम उनसे पूछे ये बताइए सर, ये इतना पढ़ पढ़ के और बेरोजगार बैठा है
हम लोग अनपढ़ लोग के हर पुराने पुराने का सरकारी नौकरी मिल रही है, बोला हाँ हम लोग सबको नौकरी देंगे, तो हमके बेवकूफ़ बना रहे हैं खाली लेने के लिए कि चलो जल्दी रजिस्ट्री कर दो। हम लोग अपने तकले बहुत लड़े हैं, रात रात भर जुलूस निकाले हैं, दिन दिन भर जुलूस निकालते रहे, सब कुछ करते रहे। मैं इस परिसर में जो इमारतें थी जिसके मालिक थे अलग अलग लोग, कुछ लोग किराए पर रहते थे, उनसे आग्रह किया कि बाबा का काम है अगर आप जगह छोड़ने को लोग तैयार हो जाए। करीब करीब 300 प्रॉपर्टीज इतने कम समय में, और दो चार लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहयोग दिया, सरकार की हर बात पे भरोसा किया और अपनी इस बहुमूल्य जगह को छोड़ करके बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, शायद मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दान ये परिसर में पहले रहने वाले लोगों ने किया है। अब कहीं जाएंगे तो हमको मजदूरी करना पड़ेगा, हम पढ़े लिखे नहीं, हमको नौकरी मोदी जी दे नहीं देंगे या योगी जी हमको मोदी दे नहीं देंगे नौकरी वोकरी, लेकिन यहाँ पे रहे तो हमको उनका आसरा भी नहीं रहा, उनका आसरा भी नहीं रहा। हम अपना सोकर भी 12 बजे भी उठते रहे, हम अपने घाट पे जाते रहे, काशी में रहते रहे, एकदम हर हर मजा लेते रहे, तुरंत घाट पे जाते ही 100 200 300 रुपए नाव चलाकर कमा लेते रहे। अब हम कहाँ से आएंगे कमाने के लिए? वोट भी अब उन्हीं का चलेगा ये तो सुनने में आ रहा है, ये 19 में हो सकता है इलेक्शन जीत जाए तो उसके बाद अपना वोट चालू करवाएं। अब इनका क्या है भगवान जाने, कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। ये समय हर हर नारा चलत रहा 14 में, तो नारा में होत रहा हर हर मोदी घर घर खोदी, ये नारा में भी सवाल उठ रहा हर हर मोदी घर घर खोदी। आज आ गया नतीजा कि हर हर मोदी घर घर खोदी तो घर सारे लोग को खोद दिया।